फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कश्मीरी आलू दम, नो ऑनियन नो गार्लिक। फ्रेंड्स, सुन के ऐसा लग रहा होगा कि कश्मीरी आलू दम, वो भी बिना लहसुन प्याज का, लेकिन हाँ, इसको मैंने बनाने में लहसुन और प्याज का यूज नहीं किया है, लेकिन खाने में ऐसा जो सबके मुंह में पानी ला दे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई न्यू कुकिंग ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। यहाँ पर हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, 3 चम्मच पोस्ता दाना, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, 8 से 9 काली मिर्च, 4 से 5 सूखी लाल मिर्च, 4 इलायची, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 2 लौंग। इन सबको हम एक कढ़ाई में डाल के अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसको तब तक रोस्ट करेंगे जब तक इससे भीनी भीनी खुशबू या हल्का धुआं जैसा उठने लगे। तब तक हम इसको रोस्ट करेंगे। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे वरना हमारा मसाला जल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, लगभग हमारे मसाले भून चुके हैं। अब इसको हम एक अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम ऐड करेंगे 2 चम्मच ऑयल। हम यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यूज कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से किसी भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमारा तेल गर्म हो जाए उसमें हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। इसको अच्छे से तेल के साथ मिलाने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। आलू को हम पहले ही बॉईल करके उसको बीच से कट करके रख लिए थे। इस आलू को हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसको डीप फ्राई होने तक भूनेंगे। जब तक हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं हम इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। इसका पेस्ट को तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 3 बड़े साइज़ के टमाटर, 4 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 8 से 9 काजू। इन सबको मिक्सी जार में रखकर एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर आलू फ्राई हो चुका है। फ्रेंड्स, इतना हमको अपना आलू को फ्राई करना है। अब इसको हम एक अलग से प्लेट में निकाल लेते हैं। इस बचे हुए तेल में हम ऐड कर देंगे और 2 चम्मच ऑयल और इसमें हम डालेंगे 3 तेज़पत्ता, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। इन सबको हम तेल में अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हम डाल देंगे जो पेस्ट बना के टमाटर और काजू का रखे थे उसको, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, इसको ढक के हम 3 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, 3 मिनट हो चुके हैं और हमारे ग्रेवी लगभग पक चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो अपने मसालों को फर्स्ट टाइम में भून के रखा था ना, उसको ग्राइंड कर लिया है। अब हम इस मसालों को हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाले अच्छे से पक जाए। मैंने ऐड किया यहाँ पर 1 चम्मच नमक। आप अपने स्वाद अनुसार नमक इसमें ऐड कर सकते हैं और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच चीनी, जो इन सारे मसाले की कड़वाहट को कम करेगा और इसके ग्रेवी को और ज़्यादा टेस्टी बनाएगा। और इन सबको अच्छे से मिक्स करके 3 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर ढक के अच्छे से पकाएँगे। तीन मिनट हो चुके हैं और हमारे मसाले यहाँ पर अच्छे से पक चुका है। तेल मसाले के ऊपर आ गया है। अब इसको एक बार अच्छे से चलाने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 3 चम्मच फेंटी हुई दही। दही को ऐड करते हुए हमको अपने गैस का फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना होगा, या थोड़ी देर के लिए हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, वरना हमारा ग्रेवी में दही डालते ही दही फट जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने दही डाल के एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया और इसका 1/2 या 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से ढक के पकाएंगे। लगभग 1 मिनट हो चुका है। अब हमारा ग्रेवी अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे फ्राई किया हुआ आलू। आलू को हम तेज आंच पे 1 मिनट के लिए ग्रेवी के साथ अच्छे से भूनेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लगभग हमारा आलू भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रेवी के लिए पानी। आप पानी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस आलू दम का ग्रेवी अगर आप ठीक रखेंगे तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसीलिए हमने यहाँ पे ऐड किया है 1 कप पानी। आप अपने हिसाब से इसमें पानी कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसके खुशबू और स्वाद को बढ़ाने के लिए हमने ऐड किया है यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी। इन सबको अच्छे से मिक्स करके इसको लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट लगभग हो चुके हैं और हमारा आलू दम यहाँ पर बन के हो गया बिल्कुल रेडी। देखने में लग रहा है ना लाजवाब, खाने में भी उतना ही टेस्टी होगा। एक बार इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। फ्रेंड्स चलिए अब हम इसको सर्व कर देते हैं। हम इसको सर्व करेंगे गर्मा गर्म पूरी के साथ। आप इसको प्लेन रोटी, नान या जीरा राइस किसी के भी साथ खा सकते हैं, सब में ये परफेक्ट जाता है। फ्रेंड्स अगर आज का रेसिपी आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।